माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हे ब्यूटीफुल लेडीज, आप लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो लेके आई जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया और हम गर्ल्स का क्या होता है ना कि जब भी फेस्टिवल शुरू होता है तो एक बहाना मिल जाता है कि नए कपड़े सिलवाने हैं या फिर नए कपड़े खरीदने हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। तो आजकल क्या है ना, फेस्टिव सीजन चल रहा है और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आइडिया देने वाली हूँ जो बहुत ही लो बजट में आप एक अच्छी फैंसी ड्रेस सिलवा सकते हैं और अपने फेस्टिवल को बहुत 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 अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जो डिजाइनिंग्स होती है ना, हमको लगता है कि हमें कभी डिजाइनर कपड़े दिखते कि वो बहुत महंगा होता है और हम उसको परचेज नहीं कर पाते हैं ना। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ ऐसी डिजाइन ड्रेस लाई हूँ जो आप सस्ते दामों में कम दामों में सिलवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में मैं आप आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो मैं आपको अपनी फर्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ जो एक ए लाइन लॉन्ग गाउन है, और ये मैं आप दिखा देती हूँ। मैं ये इसका फ्रंट है, आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट नेक है और ये इसका बैक नेक है। तो मैं डिटेल से बता देती हूँ, बैक नेक जो है बोट नेक है, ये बिल्कुल सिंपल सा बोट नेक है, राउंड शेप में बोट नेक है, और फ्रंट में मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग की हुई है। तो फ्रंट में कुछ मैंने इस टाइप से वी शेप का कट लगाया हुआ है। तो ओवरऑल इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वो वाला जो फिटेड मैंने चोली वाला बनाया हुआ है, ये ए लाइन गाउन, और नीचे ये प्योर जॉर्जेट का पूरा फैब्रिक है, फ्लोर लेंथ तक है ये पूरा, आप देख सकते हैं फ्लोर लेंथ तक है, ये ए लाइन कुर्ती है। और इसकी जो स्लीव्स है मैंने वो नी तक रखी क्योंकि मुझे नी तक ही पसंद आती है, और मुझे नी तक जो कुर्तियाँ होती मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं ये मैं फैब्रिक की बात करूं तो ये फैब्रिक जो है, ये फैब्रिक श्रीकिंस का फैब्रिक है, ये बैक ब्लैक कलर का है। और इसको मैं काफ़ी टाइम मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरी ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन पूरी ड्रेस बनाने के लिए मुझे लगा कि ये कॉमन से ड्रेस को हम ना, जब फुल ड्रेस ऐसी होती तो मैं एक पार्टी में ही पहन सकते हैं ना, अगर मुझे कहीं नॉर्मल सी पार्टी में पहनना और आपको किसी नॉर्मल पार्टी पहनना, थोड़ा सा उसको हट के बना लीजिए। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने नीचे ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, और मैंने इसमें अंदर ये सैटून लगाया हुआ है लाइनिंग के लिए, आप देख रहे हैं ये लाइनिंग के लिए मैंने सैटून लगाया हुआ है, और ये सीधी ए लाइनिंग ड्रेस बन गई। और ये ड्रेस बहुत ही सस्ती आपको पड़ेगी, अगर आपके पास में कहीं दुकान है जहाँ पे ये मेटल मिलता है तो आपको ये मेटल भाई 200 रुपये मीटर में मिल जाएगा, पर मीटर के हिसाब से मिलता है। अगर आप, हो सकता है थोड़ा सा महंगा भी मिल सकता है, थोड़ा सा सस्ता भी इससे मिल सकता है, क्योंकि हर जगह का मार्केट का रेट थोड़ा अलग होता है। तो उसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बताया आपको 200 मीटर आपको 300 मिला या जो भी इससे कम मिला, तो आप सोचोगे मैंने ये बोला तो इसकी मतलब क्या होता है, मार्केट रेट डिफरेंट होता है हर जगह। तो इसका बता देती हूँ, ये मुझे मिल गया था 200 रुपये मीटर मिला, और मैंने 1 मीटर लिया था क्योंकि 1 मीटर चोली में लग जाता है। चोली बनाने का मतलब रीजन एक ही होता है कि अगर अभी चोली वाली ड्रेस बनाते हैं तो आपको यहाँ पर फिटिंग जो वेस्ट पे होती है बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है, और आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा बैक में और फ्रंट में पीस जरूर डलवाइएगा। आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा इतना सिमरी का टाइप के सितारे लगे हुए तो नहीं दिख रहा, तो फ्रंट और बैक में हमेशा पीस जरूर डलवाइए जिससे कि यहाँ पे जो वेस्ट लाइन पे और हमारे वेस्ट बस्ट पे जो फिटिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है, और इससे लुक उसका एकदम चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये मेरी फर्स्ट ड्रेस थी जो कि बहुत ही सिंपल और एलिगेंट बन गई है, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि सैटून जिस सैटून का रेट जो भी हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, और ये लगभग 100 पर मीटर आपको ये मिल जाता है। आप जैसा फ्लेयर चाहते हो उस हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं उसमें, और अपनी ड्रेस को तैयार करवा सकते हैं अपने टेलर को दिखा के। इसका लुक बहुत ऑसम आया था और मैंने जब उसको पहना था तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप इस तरीके से अपने फेस्टिवल्स के लिए, जैसे कि दीपावली के लिए, आप इस तरह से ड्रेस बनवा सकते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो ये थे मेरी फर्स्ट ड्रेस,
और ये आई थिंक अगर आपको स्टिचिंग चार्ज मिला मिला के तो आपको लगभग, मैं अपने आइडिया से बता दी हूँ, तो आपको लगभग 1200 1300 1200 रुपये, 1200 रुपये की रेंज में पड़ जाएगी, जो कि मार्केट में आपको बहुत ही महंगी मिलने वाली है। तो प्लीज आप इस तरीके की ड्रेस सिलवा सकते हैं। इसके बाद में आपको जो अपना दूसरा ड्रेस दिखा रही थी वो थोड़ा अम्ब्रेला वाली स्कर्ट है, ये भी मैंने प्लेन फैब्रिक खरीदा था, सिल्क का पेपर सिल्क खरीदा था, और मैंने उससे ये फुल फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाई है। इसका फ्लेयर मैं आपको कैसे दिखाऊं, बहुत बड़ा फ्लेयर है इसका, आई थिंक आपको मैं इसका ये बहुत बड़ा फ्लेयर है, इस टाइप से फुल फ्लेयर वाला मान लीजिए। और ये स्कर्ट है, ये तो ये मैंने फुल स्कर्ट जो सिली थी इसके लिए मैं एक क्रॉप टॉप बनाने वाली थी, अभी तक वो बन नहीं पाई है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। मैं इसके साथ दूसरा एक रेड कलर का क्रॉप टॉप है मेरे पास, मैं उसको पहनती हूँ उसके साथ, जो बहुत अच्छा लगता है, जिसकी डिटेलिंग देती हूँ। ये वेस्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगाई हुई है, और बाकी ये फुल लेंथ है, और नीचे पे मैंने इसमें फ्रिल लगाई हुई है, उससे थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर, उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके मैंने इसमें इस टाइप से इसमें फ्रिल लगा दी है, इसको चुन्नट डाल के हल्की हल्की, तो इसका लुक ही ओवरऑल चेंज हो गया, देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर इसका लुक आता है, और ये बहुत सुंदर कलर लगती है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। मैंने रेड बनाया है, और मैं इसके लिए व्हाइट कलर का चिकन का लेके आई हूँ। और अगर आप लोगों के पास मुझसे अच्छा कोई आइडिया है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में आकर जरूर शेयर करिएगा, और बता दीजिएगा इसके साथ कौन सा कलर जाएगा। पीच भी मैं सोच रही हूँ इसके साथ, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी। तो ये मेरी सेकंड ड्रेस थी, इस टाइप से आप भी फेस्टिवल के लिए इस टाइप से ड्रेस भी बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगती है, थोड़ा सा इसमें इंडियन टच भी आ जाता है, और थोड़ा ट्रेडिशनल लुक भी आ जाएगा, कि इसका सार लहंगा टाइप का, आप इसका दुपट्टा भी पहन सकते हैं। तो ये मेरी सेकेंड ड्रेस थी। फिर से मेरी जो थर्ड ड्रेस है वो मेरी ए लाइन ड्रेस है, और ए लाइन क्या बोलते हैं, जो ए लाइन फिटेड वाली ड्रेस होती है उस टाइप से वो ड्रेस है। तो वो भी ड्रेस बनाने का मेरा पर्पस था कि जैसे कि कभी छोटा मोटा फंक्शन होता है, मतलब कुछ भी होता है, अगर आपको वहां पे साड़ी पहनना नहीं है, अब वहां पे कोई भी साड़ी नहीं पहने, कभी कभी ऐसा होता है ना कि साड़ी पहनने का मन नहीं करता है, तो वहां पे आप इस तरीके से सिंपल सी सोबर सी ड्रेस स्टिच करवा लीजिए, और आप वहां पे फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ कोई पार्टी कर रहे हैं तो आप वहां पे पहन के जा सकते हैं, आपको बहुत कंफर्ट महसूस होगा। तो मैं आपको डिटेल दिखा देती हूँ, तो ये है मेरी थर्ड वाली ड्रेस, तो ये भी इस टाइप से, इसमें भी मैंने वो अलग गला वी दिया कि मुझे ये बहुत पसंद है, और ये सिंपल में थोड़ा आ जाता है, तो इसमें वी शेप का दिया हुआ है, ये फ्रंट है, और ये स्लीवलेस है, हालांकि मैंने स्लीव इसमें अंदर बना के रखी हुई है पर मैंने इसमें अटैच नहीं की है, तो ये स्लीवलेस है, ये कोई इटालियन सिल्क टाइप का फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट बहुत शाइनी फैब्रिक है, बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो ये इस टाइप से ये फैब्रिक है। ये भी मैंने यहाँ से चोली वाली ड्रेस बनाई हुई है, क्योंकि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और मुझे अब इसमें दो कंट्रास्ट में बनाना था, तो इससे इसका लुक बहुत अच्छा है, कि नीचे मैंने इसको क्या बोलते हैं उस फैब्रिक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इस फैब्रिक को क्या बोल नहीं इस फैब्रिक को पता नहीं क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब ये रबड़ नहीं नायलोन टाइप का, आप इसे देख सकते हैं, बहुत थिक फैब्रिक है, मोटा सा फैब्रिक है, और बहुत शाइनी है। तो ये भी एक ए लाइन ड्रेसेस है, ये फुल लेंथ की ये भी है, लेकिन ये फिटेड है, हमारी बॉडी पे फिट है, थोड़ी सी लूज है, नीचे से मैंने इसको यहाँ पे 8-8 इंच के लिए नीचे से मैंने खोल के रखा, जैसे कि पैर फैलाने में दिक्कत ना हो। तो ये मेरी हो गई है थर्ड ड्रेस, अब इसकी बैक की बात बारी कर दिखाती हूँ, बैक में क्या है इसके, मैं बैक में मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स लगाई हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पे मुझे भी बटन लगाना है, बटन का आइडिया सन अभी आया है, तो मुझे अभी इसमें बटन लगाना है, तो मैंने इसको इस टाइप से स्ट्रिप्स दी हुई है, इसमें मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, हाँ इस टाइप से मैंने एक स्ट्रिप दी हुई है, और बाकी ये वी शेप का गला है, यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगी, और नीचे पे मैं एक बो लगाऊंगी, वो मैंने अभी इस तक इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी इसमें वो लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से आइडिया लिया है, तो लोगों ने बोला हाँ इसमें वो लगाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा इसका लुक, और बाकी इसमें मैंने पीछे चैन दी हुई है, जिससे कि चैन लगाने से फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, और चैन के किनारे पे मैंने ब्लैक कलर की इस तरीके से पाइपिंग भी निकाली हुई, जिससे कि उसका लुक बढ़ गया है।
तो ये चैन वाली, बैक चैन वाली हो गई, और बाकी नीचे से बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये मेरी थर्ड ड्रेस हो गई, और इसका लुक को पहनने के बाद बहुत अच्छा आया था, मैंने पहना तो था इसका, और बहुत सुंदर ड्रेस बनी है। तो अगर आप लोगों को कुछ सस्ते में और कुछ कम बजट में अगर अच्छे से ड्रेस सिलवानी है, तो आप इस तरीके से ड्रेस सिलवा सकते हैं, और अपनी वार्डरोब को बहुत यूनिक बना सकते हैं। और एक्सपेंसिव लगती हैं ड्रेसें, और अच्छे सस्ते में बन जाती है। और आपको स्टिचिंग आती है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि स्टिचिंग जिसको आती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे स्टिचिंग आती है तो मेरे लिए ड्रेस बहुत सस्ती हो जाती है, बहुत अफोर्डेबल हो जाती है। लगता है मुझे लाइक कभी 700 या वन, जब मैं बहुत अच्छी हैवी ड्रेस बनाती हूँ मुझे 1000 या 12000 में ही पड़ती है, क्योंकि मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। फिर स्टिचिंग का चार्ज कभी लग इतना महंगा स्टिचिंग चार्ज, तो इससे थोड़ी दिस और एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन मार्केट से बहुत सस्ती हो सकती है। तो अगर आप लोगों को मेरी ड्रेसेस का कलेक्शन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स, मामी मामा, चाची और आंटी सब में शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से मैं आपसे मिलती रहूंगी, और अच्छे अच्छे डिजाइन लाती रहूंगी। और आपको ये बहुत थोड़ा सा स्टेप मैंने दिखाया धीरे धीरे, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना, कि बहुत बिजी चल रहा है मेरा स्टिचिंग वाला, तो अभी मैं स्टिचिंग का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आपको आने वाले समय बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखने को मिलेंगी, तो प्लीज मुझसे कनेक्ट बने रहिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करते रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।